सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय एक वचन पांच। याकूब की पत्री अध्याय एक वचन पांच। आइए देखते हैं। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जैसा कि वचन में लिखा गया है कि याकूब कह रहा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, जिसके बुद्धि काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करते, जिसके पास ज्ञान और बुद्धि की कमी है, घटी है, तो वचन कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बुद्धि किसी कामों में या किसी जगहों पे काम नहीं करती है, तो कहता है कि जब तुम्हें ऐसी बुद्धि की घटी आ जाए तो कहता है तुम परमेश्वर से मांगो, किसी मनुष्य से नहीं। वो कहता है कि परमेश्वर से मांगो, जो वो क्या करेगा, तुम्हें उदारता से देता है। वो परमेश्वर तुम्हें उदारता से देगा भी, कहता है जब तुम उस परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें उदारता से देगा। इसलिए देगा क्योंकि वह बुद्धि का भंडार है। वचन कहता है कि जब तुम उस परमेश्वर से बुद्धि को मांगोगे तो वह बिना उलाहना दिए वह क्या करेगा, तुम्हें उदारता से देगा, यानी तुमसे पूछताछ नहीं करेगा कि तुम बुद्धि लेकर क्या करोगे या तुम्हें इस बुद्धि की क्या जरूरत है, वो ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। परंतु वचन कहता है कि वह बिना उलाहना दिए तुम्हें उदारता से, यानी बिना पूछताछ, बिना जांच पड़ताल किए हुए तुम्हें वह आनंदित होकर देता है। कहता है और उसको दी भी जाएगी, जो मांगेगा उसे दी भी जाएगी। कहता है कि अगर तुम में से कोई परमेश्वर से बुद्धि मांगता है तो वह इनकार नहीं करेगा, परंतु तुम्हें बुद्धि देगा। और वचन कहता है कि पर विश्वास से मांगो, कहता है जब उस परमेश्वर से मांगना तो तुम संदेह से भर कर नहीं, परंतु विश्वास से भर कर मांगो, कुछ भी थोड़ा भी संदेह मत करो। कहता है कुछ भी संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समुद्र, यानी जो संदेह करने वाला व्यक्ति, वह समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा के द्वारा बहती और उछलती है। समुद्र में लहर कैसे उत्पन्न होती है, हवा के प्रेशर से, दबाव से। हवा आती है, पानी से टकराती है, पानी में हिलकोरा उठता है और वह हिलोरा एक दूसरे से टच होता है। जब एक दूसरे से टच होता है तो उसमें काफी उछाल पैदा होते हैं और ऐसा करते करते एक भारी उछाल ले लेता है। तो भारी उछालना
भारी उछाल में हो जाता है। इसीलिए वचन कहती है कि जो संदेह करने वाला मनुष्य उस समुद्र के लहर के समान है जो क्या करती है, हवा के द्वारा बहती और उछलती है। जैसे समुद्र के अंदर लहरें क्या होती है, जब हवा के प्रेशर से लहरें बन जाती है तो वह उठती है, तो वह उड़ते उड़ते क्या करता है, जब किनारे पे आती है तो समाप्त हो जाती है, उसे किनारा मिल जाता है। इसलिए वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करने वाला, संदेह से कोई चीजें मांगने वाला है, कहता है उसका जो संदेह है ना, उसके विश्वास को खत्म कर देता है। संदेह विश्वास को समाप्त कर देता है। और वह व्यक्ति अब अगर जो चीजें मांगने के लिए इच्छा प्रकट करता रहता है, वो उन चीजों को नहीं प्राप्त करता है। कारण क्या है कि उसकी अविश्वास यानी संदेह का कारण है। वचन कहती है कि ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कहता है जो संदेह करने वाला व्यक्ति है, कहता है कि मैं उसे पहले बता रहा हूं कि वह अपने अंदर यह विश्वास ना लेके हम प्रभु से मांगेंगे तो कुछ मिलेगा, कहता है नहीं मिलेगा। जो संदेह अपने दिल में रखेगा वह परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएगा, परंतु वह परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटा ले तो ठीक है। जो संदेह करने वाला है वह अगर परमेश्वर से कुछ मांगता है तो वह मांगने के प्रति अपना ध्यान ही हटा ले तो ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो संदेह करने वाला है उसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है यानी संदेह करने वाला, वह वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति दो चित्ता होता है, उसके अंदर दो चित्त की भावनाएं होती है, दो विश्वास यानी दो प्रकार की बातें उठती है। और वचन कहती है कि वह सारी बातों में चंचल होता है, वह दृढ़ नहीं होता, स्थिर नहीं होता, परंतु उसके अंदर चंचलता होती, आज यहां कल वहां परसों वहां, और मन का दो चित्ता, कभी वह विश्वास के प्रति मन लेकर जाएगा, कभी संदेह के प्रति। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा गया है कि तुम संदेह करने वाला नहीं परंतु विश्वास करने वाला बनो, ताकि परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें मिल जाए। इसीलिए कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी बातें समझ में नहीं आती है और तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है तो उस परमेश्वर की तरफ ध्यान करो, जो बुद्धि का भंडार है, तुम्हें बुद्धि देगा कि तुम अपनी समस्या से पार निकल पाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु आपको आशीष देंगे। ओ महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि तेरी महिमा की आशीष के द्वारा इनका जीवन धन्य होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, प्रभु हर एक को अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि ये बुराई को त्यागे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक प्रकार की बुराइयों से इन्हें बचा, जितने लोग प्रार्थना सुने इनके द्वारा जो पाप गुनाह हुआ है प्रभु उसे माफी दे, हर पापों को हर गुनाहों को क्षमा दे प्रभु, हम विनती करते मेरे महान स्वामी। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से हे परमेश्वर जिसके द्वारा कोई अपराध गुनाह है उसे माफी दे, और इनके द्वारा दोबारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे, कोई दुख तकलीफ बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहे जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर रक्षा, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं जितनी बीमारियां हो बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्माएं शैतानी आत्मा शरीर छोड़, ओ परमेश्वर प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार है प्रभु उनकी बीमारी निकल जाए, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए,
गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं। पेट में दर्द हो पेट का दर्द निकल जाए, कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर से रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, हर प्रकार की तकलीफें नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। महान परमेश्वर जो इनके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी दमा एचआईवी टीबी कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना कर देवीता हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए, ट्यूमर और कैंसर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से ट्यूमर और कैंसर की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना कर देवीता यीशु राजा तेरे नाम में आदेश करता हूँ कि इनके शरीर से हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना कर देवीता जितने लोग बीमार है प्रभु आज वे चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना कर देवीता हे परमेश्वर जो जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता प्रभु ने ज्ञान बुद्धि से भर देता कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में इनके घर में जो विवाद चल रहा है वो सब कुछ खत्म होने पाए, घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने लोग नौकरी के तलाश में नौकरी दे, जो काम के तलाश में काम दे, हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति परिवार में शांति। हाँ मेरे महान परमेश्वर तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष आने दे ताकि हर कोई तेरे महिमा की आशीष को पाकर तृप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु राजा तेरे नाम में जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु हर एक के लिए मैं तेरे आत्मिक अभिषेक मांगता हूं कि हर कोई तेरे आत्मिक अभिषेक से भर जाए, हर कोई हे परमेश्वर तेरे स्वर्गीय आनंद से स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु राजा तेरे नाम में सबके लिए आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।